आप उनको भी टाइम रुको रुको जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं या दूसरे टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, जो भी जिस भी पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं, ये कंसल्टेंसी खोली है जो लोगों के लिए यहाँ कठुआ में पहली बार खुली है और बहुत फायदेमंद होगी। इससे लोगों को स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली बहुत फायदा होगा। क्या देखते हैं बच्चों के सपने किस तरह से पूरे होंगे, कितने उनको सपने पहले उनको यहाँ से ये सर्विसेज लेने के लिए आइदर तो उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता था या जम्मू जाना पड़ता था। आप उनके अपने टाउन में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स कम्युनिटी को इकोनॉमिकली भी और ट्रैवल वगैरह में बहुत फायदा होगा क्योंकि लोकली आपको ये सर्विसेज सारी मिल रही है। मेरा नाम अभिषेक मैत्र है, तो हमने ऑफिस खोला है कठुआ में कंसल्टेंसी। सो इसमें क्या है, हम सारी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे सबको। किसी बच्चे ने स्टूडेंट ने किसी ने जो पढ़ लिखे हैं जो जॉब करते हैं उन्होंने बाहर जाना है तो दे विल गो थ्रू द थ्रू अस। तो हमारा कनाडा में हेड ऑफिस है तो इसलिए यहाँ पे कठुआ इसलिए खुला क्योंकि घर वालों ने भी कहा और कठुआ के लोगों को भी था कि कठुआ वाले लोगों को यहाँ से होके चंडीगढ़ जाना पड़ता है या पटाखों जाना पड़ता है सर्विस लेने के लिए। तो हमने शहर में इसलिए खोल दिया ताकि देर हो रहा है टू गो आउटसाइड द स्टेट राइट। वो सर्विसेज हम ये प्रोवाइड करेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, ट्वेल्थ के बाद बच्चों ने जाना है। इवन कि हमारे पास ऐसी सर्विसेज हैं कि बच्चों ने ट्वेल्थ से पहले भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए। वो डिपेंड करता है किस कंट्री में जाना है जी। मैं मोस्टली हमारा जैसे हमारे बताया आपको मेरे पास कनाडा का लाइसेंस है और कनाडा में मेरा हेड ऑफिस है तो कनाडा के लिए आईएलएस है अभी सबसे जरूरी। तो वो उसकी कोचिंग भी हम देंगे, वो शुरू हमारा बैच शुरू हो जाएगा पहली मार्च से। तो अगर किसी ने इंग्लैंड जाना है ऑस्ट्रेलिया जाना है उनमें पीटी चलती है तो पीटी के थ्रू भी जा सकते हैं, आईएलएस वैसे हर जगह चलती है। तो आपके जो कोर्सेज हैं क्या वो बाकी जितने भी कंसल्टेंसीज हैं क्या उनसे कम हैं चार्जेस जो आपके वीज़ा चार्जेस हैं? वीज़ा चार्जेस का है कि अभी हमने फिलहाल जो पहले जो पहला हमारा जब शुरू होगा जैसे हमने बैच रखना है जो बच्चे हमारे से पढ़ेंगे हम उनको वीज़ा चार्जेस की फीस ही नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी उनको, हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोई डिपेंडिंग अपॉन कोई केस किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है कॉलेज जाना है जहाँ भी जाना होगा जो उन्होंने पढ़ाई करनी है उसी हिसाब से सारा सिस्टम है और फीस हमारी सबसे कम होगी, मिनिमम फीस होगी जो बच्चे आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। अब किसी ने वर्क परमिट पे जाना है काम करने के लिए तो वो हमारे पास उसके भी तरीके हैं। हम बिजनेस इमिग्रेशन भी करते हैं, अगर किसी ने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और सीधा वहाँ पे पूरी फैमिली को पीआर होना वो भी हो जाएंगे, पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे कनाडा के। अगर किसी ने डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंट जाना है वो भी तरीका है हमारे पास, उसके भी जैसे क्लाइंट को जो सर्विसेज चाहिए होगी वो सारी मिलेंगी। हमारा कठुआ में खोलने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अब मैं हूँ, मेरा नाम मैंने आपको बता दिया अभिषेक मेहता, तो हमारे सारे मेहता फैमिली वालों ने भी सबने कहा कि अगर आप कनाडा में हो और यहाँ से जो बच्चे जाते हैं फिर वहाँ आके मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया मैं आ गया हूँ तो मैं क्या करूँगा क्या करूँ ना करूँ, वो पढ़ा पंजाब से जो आते हैं उनको तरीका थोड़ा, तो इसलिए शहर में खोल दिया कि उनको गाइडेंस स्टार्टिंग से मिले। तो वो जब एक बार हम यहाँ से जाएंगे वहाँ पे हम उनको पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी देंगे क्योंकि मेरा वहाँ पे ऑफिस है तो उनको पीआर होने तक उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो जी साड़ा बेटा अभिषेक मेहता इसने 13 साल हो गया कनेडा गए उ पढ़ाई की उसे जॉब भी किया सीनियर मैनेजर के तौर पर भी जॉब किया उसे बड़ी बड़ी कंपनी में। उसके बाद इसने एक इंटरव्यू दिता जिसे इमीग्रेशन का उसने रजिस्ट्रेशन भी हुई कनेडा ये फर्म जी है ये रजिस्टर हुई है। तो मैं इन्हें गलाया भी तुम एक ऑफिस कठुए खोलो ताकि असी इतों रहने वाले हैं लोकल लोग हैं तो साढ़े कई बच्चे उत्तर बहर जाते भी हैं ना जोड़े बच्चे बहर जो वो कई बार खराब हो जाते उसे जाइए पता नहीं लगता भी असें कुत्थै जाना तो कुत्थै नहीं उसे जाइए भी इं परेशानी पी जाते जिद ज्यादा जो बहर के लोग उन्हें गलत गुमराह करिए भी ले जाते हैं। तो
कल की कोई ऐसे केस होते हैं तो वो फिर बेचारे ना घरा जोगड़े ना घराटा जोगड़े। इस कारण असें आख्या भी तुम इतने अपना दफ्तर खोलो क्योंकि असं लोकल आदमी हैं, लोकल बच्चे साढ़े इतों के जिन्हें भी एक वाकवी तौर पर इतों जो बच्चा जाग इंदे थ्रू उसकी नंबर एक जड़ा भी उसने कॉलेज या प्राइवेट जॉब करना है वह भी इनकी मिलग उत्थे जाइए रौने का कोई जो टिकाणा है वह भी सही लभी जाग जॉब भी लगी लगी जाग ताकि और घर कन्नै भी एक डायरैक्ट संपर्क रहूँ।